मेहता का उल्टा चश्मा। सोनू अभी हमारे पेरेंट्स से पैसे लेकर भेड़े अंकल को दे देते ना, फिर हम अपने अगले 2 महीने की पॉकेट मनी जोड़कर वापस रिटर्न कर देंगे पैसे। अरे लेकिन सबसे पहले फोन करके पैसे मांगेगा कौन? देखो फ्रेंड, गड़बड़ की शुरुआत मुझसे हुई थी ना, तो फोन करने की शुरुआत भी मैं ही करूँ। हाँ हाँ हाँ, गोली फोन लगा, हाथी अंकल को फोन लगा। शर्मा जी, मेरे क्लिनिक का रूल है कि फोन साइलेंट पे रखना होता है, ये क्या तरीका है? डॉक्टर साहब, मेरा नहीं आपका फोन बज रहा है। वो क्या है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फोन साइलेंट पे रख नहीं सकता, और पता नहीं किसने मेरा रिंगटोन चेंज कर दिया। एक्सक्यूज मी। हाँ गोली बेटा। पापा, मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है, आप दे सकते हो क्या? 27,000? हाँ। इतने पैसे क्यों चाहिए बताता हूँ। पापा, मेरे फ्रेंड का नाम ना हीरा है, वो पढ़ाई में भी बहुत हीरा है, उसको ना अर्जेंट पैसों की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी उसकी मदद नहीं की ना तो वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्यों, उसकी आंखों में कुछ खराबी हो गई है क्या? नहीं पापा, उसकी आंखें तो ठीक है, लेकिन उसके गरीब माँ बाप का जॉब इस लॉकडाउन में चला गया, तो वो उनके कॉलेज की फीस नहीं भर पाए। अरे बाप, प्रिंसिपल ने कहा कॉलेज छोड़ दो, हॉस्टल वालों ने कहा हॉस्टल छोड़ दो। हे भगवान। नहीं नहीं, और भी है पापा, और भी है, और भी है। फीस जुटाने के चक्कर में ना ने होटल में खाना खाया है? मतलब होटल में काम किया 3 महीने के लिए। अच्छा। हाँ, और फिर वो होटल के बेरहम मालिक ने उसे निकाल दिया धक्के मार के, सैलरी दिए बिना। बराबर है? बराबर आ रहा ना पापा आवाज? हाँ हाँ आ रही है। बेटा ये तो गलत बात है ना, कैसे पढ़ाई करता था बेचारा, लैंपोस्ट, लैंपोस्ट के नीचे पढ़ाई करता था। लैंपोस्ट तो वही है लेकिन पढ़ने के लिए किताब नहीं है। पापा, अगर आज उसकी फीस नहीं भरी तो कॉलेज उसे सस्पेंड कर देगा। बेचारे का नाम हीरा और नसीब कोयले जैसा काला। डोंट वरी बेटा, मेरे पास तुम्हारे कॉलेज की बैंक डिटेल्स है, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं नहीं पापा, नहीं 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 नहीं, वो कॉलेज वालों को कैश ही चाहिए। कैश? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास इतना कैश नहीं है। अरे मतलब आपके पास 27,000 रुपए नहीं है? मतलब है पर बैंक में है, कैश नहीं है। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ ना। नहीं पापा, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं, आपको बताया ना कैश ही चाहिए, कैश। ऐसे कैसे कॉलेज वाले ऑनलाइन पैसे लेने से मना कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया के जमाने में कैश मांग रहे हैं? अभी तो कैश होगा ना तो भी नहीं भरूंगा, ऑनलाइन ही दूंगा। नहीं नहीं पापा, रहने दीजिए, रहने दीजिए। कैसे रहने दूं बेटा, हीरा पढ़ने में होनहार है, ना होने के कारण अगर कॉलेज वालों ने उसे निकाल दिया और उसने कहीं उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? नहीं 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 पापा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करेगा वो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। देखना, मैं उस हीरा का फ्यूचर चमका के रहूंगा, और उस कॉलेज वालों ने मेरा ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया ना तो उन्हें कोर्ट की नोटिस भेजूंगा। गोली गोली गोली, तू फोन चल रहा है? अरे मैंने म्यूट कर दिया, तू हाथी अंकल को रोक दे वरना हमारे गले नई मुसीबत पड़ जाएगी। मैं तो पहले ही बोल रही थी झूठ मत बोलो, अभी फंसे ना हम सब। आइडिया दो, आइडिया दो। बोल दे कॉलेज बंद हो गया। हीरा बाकी, हीरा बाकी। गोली सच बोल दे। हेलो हेलो गोली बेटा, ये तुम लोग क्या रीजन दे रहे हो, शांत हो जाओ। अब एक काम कर, तू बोल दे कि हीरा का मैसेज है कि पैसे आ गए और उसने फीस भर दी है। पापा पापा पापा, अरे अनम्यूट तो कर यार। गोली बेटा। ए सॉरी पापा। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा आपने सुना ही नहीं, ओ लगता है फोन म्यूट पे चला गया होगा। आपको गुड न्यूज सुनानी है पापा। बताओ क्या है गुड न्यूज। वो हीरा है ना, उसके फीस का बंदोबस्त हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा गुली बेटा, हो सके तो हीरा को शाम को घर पे ले आना, मैं उसे फ्यूचर के लिए एडवाइस दे दूंगा, ठीक है? हाँ पापा, जरूरत लगेगी तो ले आऊंगा। हाँ अभी मैं चलता हूँ। ओके पापा।
बाय। ओके बेटा। क्या हुआ शर्मा जी, हीरा की कहानी सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ गए? डॉक्टर साहब, आपने पीपी मशीन से मेरे हाथ को निचोड़ के रख दिया, उसकी वजह से ऐसी हालत हो गई है। सॉरी सॉरी। ठीक है, अभी लाइए फिर से चेक कर देता हूँ। बाल बाल बचे फ्रेंड्स, वरना एक और मुसीबत गले पड़ जाती। हाँ यार, मेरा दिल तो अब तक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे कर रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं तो फेल हो गया, अब नेक्स्ट वन। ओए अब इसमें टॉस थोड़ी ना करेंगे, मैं ट्राई करता हूँ। गोगी, इसकी तरह कोई इमोशनल बहाना मत देना दोस्त, कोई ऐसा बहाना देना जिससे वो कन्विंस हो जाए। डोंट वरी पिंकू, मैं अच्छा ही बहाना दूंगा। डोंट वरी सोनू, मैं ऐसा बहाना दूंगा ना कि पापा यूं पैसे दे देंगे। तुम लोग मानोगे नहीं, करो जो करना है। अरे तू लगा, रिंग बज रही है, डोल बज रहा है। ए गोगी यार, सच्ची डोल बज रहा है ये देख। सत श्री अकाल गोगी पुत्र। सत श्री अकाल पापा। ओ पापा, एक छोटा सा काम था। दस दस पुत्र दस। 27,000 रुपए चाहिए थे। वो इन्ने पैसे था, तू की करेगा? वो मेरा दोस्त है करणजीत, उसे दूंगा। वो क्या है ना पापा, करणजीत के पापा बहुत बीमार है, तो इलाज के लिए पैसे भरने हॉस्पिटल में। वो है और अपा, वो क्यों होया? डॉक्टर कह रहे हैं कि 27,000 रुपए दो और इलाज करवा दो। वो इतना गरीब है, इतना गरीब है, तो मैं आपको की दसूं। लेकिन पापा, फिकर की कोई बात नहीं है, 2 महीने बाद वो वापस लौटा देगा। 27,000 क्या, मैं तो 50,000 दे दूं। थैंक यू पापा, थैंक यू, पैसों की टेंशन दूर हो गई। वो टेंशन मैनू पैसों की नहीं है गोगी पुत्र, वो टेंशन मैनू उस लालची डॉक्टर की है। कहीं वो पैसों के चक्कर में गलत इलाज कर रहा हो तो छेती मैनू अपने दोस्त का नंबर दे। 99200। अरे गोगी, तू मेरा नंबर क्यों दे रहे हो उन्हें? तो की करूं, पापा ने दोस्त का नंबर पूछा तो मुझे तेरा ही नंबर याद है। अरे लेकिन वो नंबर डायल करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि वो मेरा नंबर है। गोगी पुत्र अगे तो बोल, की करूं की करूं। उनको पूछ के फोन नंबर क्यों चाहिए, पूछ। पापा अब फोन नंबर का क्या करोगे? है भी सही है, मैं नंबर लेके क्या करूंगा। तो एक काम कर, वो मैनू तू करणजीत दे घर दा एड्रेस दे। क्यों एड्रेस क्यों? वो मैं करणजीत दे घर जाऊंगा, वो उसके पापा को लेकर डॉक्टर हाथी के पास जाऊंगा। सही बंदे से सही इलाज होगा ना तो बंदा चंगी तरह ठीक हो जाएगा। तू छेती कर, तू करणजीत दा एड्रेस दे। ओए ओ जसी, वो गड्डी निकाल। रुको 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 पापा, इलाज बहुत अर्जेंटली कराना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। वो अर्जेंट जरूरत है, वो फिर तो एम्बुलेंस भेजनी पड़ेगी। वो सम्राट, वो जस्सी को क्या एम्बुलेंस का नंबर निकाले। वो गोगी पुत्र, तू एड्रेस भेज। वो बीमार बंदा इलाज के लिए तड़प रहा होगा। नहीं 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 पापा, वो बहुत दूर रहता है और उधर ही इलाज कराना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू अस्पताल और डॉक्टर का नाम बता, तो मैं हाथी प्राकी उससे बात करवा दूंगा ताकि सही से इलाज हो जाए। खेती कर, वो करणजीत के पापा को इलाज की जरूरत है। की करूं टप्पू, कुछ तो दस, कुछ तो दस। यार मुझे मत पूछ, टेंशन में मेरा दिमाग सन की तरह सेट हो जाता है। ओए पिंकू, तू तो कुछ दस। मुझे मत पूछ, अरे ये टप्पू को पूछ, टप्पू को पूछ। दे दो, झूठे दोस्त का झूठा एड्रेस भी दे दो। दो बोल यार, फोन चालू है। एक मिनट बाबा, इंश्योरेंस तुम बोल दे, मेडिकल इंश्योरेंस है, उनको पैसे मिल जाएंगे। बोल। अरे पापा, करणजीत का जस्ट मैसेज आया कि उसे अभी पैसों की टेंशन नहीं है। उसके पापा का मेडिकल इंश्योरेंस था ना जो वो भूल गया था इसलिए, लेकिन अभी इलाज शुरू हो गया है। फिर ठीक है जी। ओए बाबा, तू जस्सी को क्या कुछ ना निकाले। गोगी पुत्र, तू मुझे अस्पताल का एड्रेस दे, मैं शाम को काम के बाद ना हाथीपुरा को लेकर अस्पताल जाऊंगा। हेलो पापा, पापा पापा, आवाज नहीं आ रही है, इधर नेटवर्क का इशू है। मेनू आ रही है। हेलो गोगी पुत्र। हेलो। ओए यार, ये पापा लोगों से झूठ बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, जान निकल जाती है। अरे इसलिए किसी महान इंसान ने कहा है ना
बाप बाप होता है। ए, 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 गोली गोगी प्लीज तुम लोग कुछ मत बोलो यार, तुम लोग सिर्फ काम ही बिगाड़ते हो, बहाने बनाने में जीरो और जीरो। अच्छा तू स्मार्ट है ना, देखते तू क्या करता है। गोगी टप्पू ना बिगड़े हुए काम बनाता है, मैं अभी तुमको बताता हूँ कि क्रिएटिव बहाने कैसे देते हैं। चुप अप ठीक है, लगा तू फोन, मैं भी देखता हूँ तू क्रिएटिव बहानों से कैसे जेठा अंकल को बनाता है। ठीक है चल आजा पिंकू, बैठते हाँ बैठो देखो और सीखो। ठीक है बोलिए सेठ जी। हाँ ये इसका पेमेंट आ गया। हाँ आ गया। अरे बेटा तो मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जो भी बिल का पेमेंट आ जाए ना उसके ऊपर एक टिक मार्क कर देने का, तो हमको पता चला कि पेमेंट आ गया है। हाँ तो टिक किया है ना। कहाँ किया है जी? ये देखिए ये टिक है। हाँ ठीक है। अरे ठीक है नहीं, ये टिक मार्क है। हाँ इतना छोटा सा टिक मार्क कोई करता है भला? सेठ जी एक मिनट पेन दीजिए ना। ये ठीक है क्या? और बड़ा करूं? सेठ जी फोन बज रहा है। हाँ बोल टप्पू। हेलो हेलो पापा, कैसे हो आप? क्या चाहिए तुझे? पापा आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? बेटा बाप हूँ मैं तेरा, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। बोल बोल जल्दी बोल, क्या चाहिए तुझे? 27,000। 27,000 रुपए? पापा अब 27,000 मतलब रुपए ही हो ना, मैं आपसे 27,000 मोबाइल फोन थोड़ी ना मांगूंगा। ये दोड़ी अचानक 27,000 रुपए क्यों चाहिए तुझे? वो किसी को देना है। किसी को देना है? क्यों देना है? उसको जरूरत है। वैसे तो बेटा मुझे भी 10 करोड़ की जरूरत है, देता है? पापा अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो मैं आपसे 27,000 क्यों मांगता है? अरे पर किसको देने है कुछ बता तो सही। मेरे एक दोस्त को देने पापा। क्यों? उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़े टाइम के लिए पैसे उधार दे दे, मैं तुझे 2-3 महीने में रिटर्न कर दूंगा, वो भी ब्याज समेत। तो तूने क्या अभी पढ़ाई छोड़ के ब्याज पे पैसा घुमाना चालू किया है क्या? नहीं पापा, वो मेरा जो दोस्त है ना बहुत ही खुददार है, तो उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़े टाइम के लिए पैसे दे, मैं तुझे 6 महीने में वापस रिटर्न कर दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। और अभी तो तू बोला 2-3 महीने में दे देगा, 2-3 महीना का अभी 6 महीना हो गया। वो 6 महीना तो मैं बोल रहा हूँ पापा, उसने तो 2-3 महीना ही बोला है। तो तूने अपनी तरफ से 6 महीना क्यों बोला? अरे वो पापा मैंने आपको जस्ट थोड़ा वो बफर टाइम रख के बोला 6 महीना। वो क्या ना कि अगर वो 2-3 महीने में अगर पैसे नहीं लौटा पाया तो आपको कोई टेंशन नहीं। नहीं नहीं बेटा मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकता, सॉरी। पापा प्लीज उसे पैसों की थोड़ी अर्जेंट जरूरत है, उसे गिफ्ट खरीदनी है इसलिए। गिफ्ट खरीदनी है? वो भी उधर पैसे लेके? कौन है भाई ऐसा खुशनसीब कौन है जिसके लिए तेरा दोस्त उधर पैसे लेके गिफ्ट खरीदना चाहता है? सेठ जी गर्लफ्रेंड होगी। कमाल है तुम लोगों की आजकल की पीढ़ी, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देनी है वो भी अपने बाप के पैसों से नहीं, दोस्त के बाप के पैसों से। हैं? सॉरी बेटा सॉरी, ऐसी फालतू चीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, चल फोन रखता हूँ। एक मिनट पापा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, गिफ्ट उसे नहीं मुझे खरीदनी है। अरे तुझे गिफ्ट खरीदनी है किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए। टप्पू तेरी गर्लफ्रेंड है? कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? नहीं पापा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर तुझे गिफ्ट क्यों खरीदनी है, किसके लिए खरीदनी है? पापा उसी दोस्त के लिए, वो क्या है ना कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है, तो मैंने सोचा कि उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूं। क्या गिफ्ट देनी है? वो तो नहीं सोचा लेकिन कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद के दे दूंगा उसे। कमाल है, क्या गिफ्ट देनी हो तूने सोचा नहीं है, तो फिर 27,000 का आंकड़ा कहां से आया? वो मैंने एक्चुअली पापा उसे घड़ी देने का सोचा था,
पर आपको घड़ी पे खर्च करना फिजूल लगता है ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मतलब तुझे अपने दोस्त को 27,000 की महंगी घड़ी गिफ्ट में देनी है? हाँ पापा। तो इतनी महंगी घड़ी क्यों देनी है बेटा? घड़ी चाहे 2700 की हो या 27,000 की, उसका काम तो एक ही है ना, टाइम बताना। और वैसे भी तुम्हारी पीढ़ी घड़ी में टाइम कहाँ देखती है, वो तो मोबाइल में टाइम देख लेती है। हाँ हाँ ठीक है पापा, घड़ी देना कैंसिल करता हूँ मैं। आप मुझे 27,000 रुपए कैश दे दीजिए, तो मैं उसे दे दूंगा, तो उसे अपने मन से जो भी गिफ्ट खरीदनी होगी वो खरीद लेगा। अरे पर बेटा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये 27,000 का चक्कर क्या है? तुझे उसे 27,000 क्यों देना है? वो 27 उसका लकी नंबर है इसलिए। अच्छा तो उसे 27 रुपए दे दे। चल 2700 दे दे भाई। पापा प्लीज। नहीं नहीं बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगता, मैं नहीं दे सकता, सॉरी। एक मिनट सेठ जी, फोन स्पीकर पे कीजिए ना। क्यों? कीजिए ना। हाँ टप्पू सेठ जी, आपको आपके दोस्त को गिफ्ट देनी है ना, तो काम कीजिए ना, हमारी दुकान में से आपको जो भी आइटम पसंद आए वो उसे गिफ्ट में दे दीजिए। भाई हमारे दुकान में 50,000 लाख लाख के टीवी है, वो पसंद आकर वो दे दिया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे लेकिन सेठ जी, टप्पू सेठ जी का बजट फिक्स है ना 27,000 रुपए, फिर वो 50,000 लाख रुपए के आइटम क्यों देंगे? हाँ टप्पू सेठ जी 27,000 रुपए का लेटेस्ट मस्त वॉशिंग मशीन आया है, आप गिफ्ट पे वो दे दीजिए। अरे बागा भाई, वो अमेरिका जा रहा है, अब यहाँ से वो वॉशिंग मशीन लेकर जाएगा तो सब हंसेंगे ना उसमें वहाँ पे। पापा प्लीज आप मुझे पैसे दे दीजिए ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉरी बेटा, 27,000 बहुत बड़ी रकम है, ऐसा दोस्त को देने के लिए मैं नहीं दे सकता। चल फोन रख। हेलो पापा मेरी, हेलो। वाह सुपर्ब, अमेजिंग, ऑसम, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या क्रिएटिव बहाने बनाए तूने, और क्या जेटांगल को मैनिपुलेट किया। वाह, अरे एक सेकंड भी नहीं लगा जेटांगल को तुझे पहचानने में, एक सेकंड में आउटस्मार्ट कर दिया। और तुझसे अच्छे तो हमारे बहाने थे। हाँ। सुनकर कम से कम पापा लोगों ने पैसे तो ऑफर किए। तेरे फालतू जैसे बहाने सुन के जेटांगल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ओए की करे, ये टाइम तो मिल्खा सिंह जी की तरह तेजी से भाग रहा है, ऊपर से हमारी वजह से रमाकांत काका को पैसे नहीं मिलेंगे, हमारी वजह से काकी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं मिलेगा, और अभी सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। यार बात तो तेरी सही है, लेकिन इतने कम टाइम में 27,000 रुपए कैसे लाएंगे? ए फ्रेंड्स, कुछ सोचो क्या करना है, कुछ सोचो। ओ यारो, पापा ने मना किया तो क्या हुआ, हमारी मम्मी है ना, मम्मी से मांगते हैं। क्या कुछ भी बोल रहा है गोगी, मम्मी भी तो पापा से ही पैसे मांगेंगे ना, और अगर गलती से भी पापा को पता चल गया तो हमारा तो भांडा फूट गया ना। अरे फ्रेंड्स, मेरी तो मम्मी यहाँ नहीं है। ही, तो सुंदर मामा को पूछना। नहीं, मामा से पैसे लेंगे तो वो पापा से पैसे मांगेंगे वापस। यार तेरे अलग ही पंगे हैं। मेहता अंकल टप्पू, मेहता अंकल को कहे पैसे दे दे, क्योंकि अगर वो जेठा अंकल के फायर ब्रिगेड बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। नहीं, अगर मेहता अंकल से हेल्प लेंगे तो पापा तक बात पहुंच ही जाएगी। अरे टप्पू, अगर पोपट अंकल है ना, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो पोपट अंकल तो सोसाइटी के न्यूज़पेपर है, अगर उनसे पैसे लिए तो अगले दिन खबर सबके घर पे पहुंच जानी है। अरे यार तो क्या करे, टाइम हो रहा है पैसे देने का। यार सोचो जल्दी सोचो। आइडिया क्या? अब्दुल भाई पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। गोली तू शांत हो जा, अपने आइडिया को ना अपने दिमाग के एलओसी से हमारे तरफ आने मत दे। हाँ प्लीज गोली, टेंशन में ना तेरा दिमाग बंद हो गया। क्या यार गोली, फालतू आइडिया दे रहा है। फालतू आइडिया क्या है इसमें, अब्दुल भाई हमें पैसे नहीं दे सकते। गोली, अब्दुल भाई के पास कहाँ होंगे 27,000 रुपए, वो कैसे देंगे हमें? और नहीं तो क्या। नहीं एक्चुअली सही कह रहे हो तुम लोग। ओए यार ये टाइम तो बहुत तेजी से भाग रहा है, अगर अब कोई आइडिया नहीं आया ना तो अपना लक टाइम से रेस हार जाएगा और सच सामने आ जाएगा।
एंड सारे ऑप्शन खत्म हो रहे हैं, टाइम भी निकलता जा रहा है, कैसे लाएंगे पैसे, कहां से अरेंज करेंगे? दोस्तों जिंदगी की राह वैसे तो बड़ी आसान है, लेकिन हमारी छोटी सी गलती, जरा सी लापरवाही हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। अब देखिए ना, टप्पू सेना को लगता था चेक से बैंक से पैसे निकालना कितना आसान है, लेकिन उनकी एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने स्वयं के लिए मुसीबत खड़ी कर ली। और उस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने अपने माँ बाप से पैसे मांगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मुसीबत ज्यों की ज्यों है। और अब भिड़े मास्टर ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, वो उनकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है। बच्चे इस मुसीबत से बचने के लिए बहुत सारी राह अपनाने की सोच रहे हैं, आप सोचिए वो क्या राह अपनाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कोई गलत राह न अपना लें बच्चे इस मुसीबत से निकलने के लिए। और एक बात है, उनके पास एक सत्य की राह भी है, सच की राह, तो उस पर चल सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि टप्पू सेना सच बता के इस मुसीबत को समाप्त करती है या फिर सच नहीं बताती और किसी और राह पे चलती है। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमारे कॉलेज रोड पे एक शॉप है ना, वो ब्याज पे पैसा देता है, लेकिन हमें पहले उसके पास कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। मेरा लैपटॉप चलेगा? अगर तेरे पेरेंट्स ने पूछा कि लैपटॉप कहाँ गया, तो फिर तू क्या जवाब देगा? रिपेयरिंग के लिए दिया है, रिपेयरिंग के लिए 8-10 दिन तो लगते ही है ना। लोन चाहे एक हफ्ते का लो या एक दिन का, ब्याज पूरा एक महीना का देना पड़ेगा। चलेगा चलेगा, हम थोड़ी देर में आपके वहाँ लैपटॉप लेकर आते हैं। ओके, हाँ ठीक है। फाइनली पैसों का बंदोबस्त हो गया, पैसे भिड़े अंकल को दे देंगे और उनको हमारी झूठ का कभी पता नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।